दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस एस सी एम टी एस दो हज़ार तेईस ऑनलाइन फॉर्म फ़िलअप के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपकी एज क्या रहेगी फ़ीस कितनी लगेगी कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फ़िल कर सकता है कितनी वैकेंसी है सारी डिटेल्स और फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एस की ये ऑफिशियल साइट पर आना है तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस ऑफ मल्टी नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड होगी तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या क्या मांगा है तो यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है तीस छः दो हज़ार तेईस से स्टार्ट है आप इसे इक्कीस सात दो हज़ार तेईस तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीव ऑनलाइन की आप इक्कीस सात तेईस तक निकाल सकते हैं और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ़ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी आप बाईस सात तेईस तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पर आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफ़लाइन चालान आप इस तारीख तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट थ्रू चालान 24 सात तेईस तक कर सकते हैं यहाँ पर डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आप 26 सात तेईस से 28 सात तेईस तक करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सितंबर में होगा आपका इसका तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर एम टी एस मल्टी टास्किंग इस्टाफ़ की जो वैकेंसीज़ है ग्यारह सौ अंठानवे अप्रोक्स और यहाँ पर हवलदार इन सी बी आई सी एन सी बी एन इसकी तीन सौ साठ इसकी वैकेंसीज़ है कि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जिस आपको यहाँ पर अठारह से पच्चीस साल के बीच में होना चाहिए आपका जन्म आपके डेट ऑफ बर्थ दो आठ उन्नीस सौ तो अंठानवे से एक आठ एक आठ दो हज़ार पाँच का आपका जन्म है इसके बीच में तो आप यहाँ पर एम टी एस हवलदार इन सी एंड डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे और 18 से 27 साल आपकी एज यहां पर दो आठ उन्नीस से एक आठ दो के बीच में है तो यहां पर दोस्तों हवलदार इन सी बी आई एन डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवन डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू ऑफ फ्यू फ्यू पोस्ट फाइव पोस्ट एम के लिए एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर एज रिलेक्शन आपको मिल जाएगा इन कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर फी पेबल सौ रुपये फीस लगेगी आपको जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट की और यहाँ पर वोमन कैंडिडेट और यहाँ पर एस सी एस टी यहाँ पर विथ डिसेबिलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटी में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी फीस नहीं लगेगी मै फीमेल कैंडिडेट और एस सी एस टी इन कैटेगरी की आपको ये चार्ज इसका फ्री है फॉर्म भरना तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन आपको चेकआउट कर लेना है अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों एस में सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो सकता है सारे लोगों का एस लगभग होगा जिन लोगों का नहीं है एस तो यहाँ पर इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और एक कैप्चा कोड फिल करके लॉग इन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों हो सकता है सर्वर डाउन चल रहा हो इसकी साइट स्लो हो तो आपको बार बार ट्राई करना है तो एस रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं तो वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन में अपना एसएससी में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपका एस में पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है या हो सकता है आपके पास में पासवर्ड नहीं हो या फिर एस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो आप उसे कैसे निकाल पाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ से आपको परमानेंट स्टेट आपने किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन किया था वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं उसके बाद में सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर ओ जाएगा वहाँ पर या ई मेल पर आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भेज दिया जाएगा तो आपको नया पासवर्ड बना लेना है तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे उसके बाद में यहाँ पर यूज़र नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आएंगे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे प्रथम में यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स है सारी वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से ले ली जाएगी तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोफ्रेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स सिटीज़ तो यहाँ पर आपको जो भी पहले एग्जामिनेशन सेंटर अपना चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फ़र्स्ट में जो डालते हैं फर्स्ट नंबर पर वही मिलता है तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको तीनों अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सी तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में कर देना चाहते हैं या इंग्लिश में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में वेरीफाई लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स सर्विसमैन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं अगर नहीं आते हैं तो नो पर टिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अगर ये आप इन कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर तो यस करेंगे नहीं तो आपको नो पर टिक करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एज रिलेक्सन अगर आप एज रिलेक्सन चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके और यहाँ पर आप ओ से आते हैं या फिर एस सी जो भी अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अगर नहीं आ लेना है आपको एज रिलेक्शन तो नो पर टिक कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आपको प्रोफ्रेंस ऑफ स्टेट्स तो यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट पहले डालना है किस तरीके से अपना सीक्वेंस डालना है तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको किस तरीके से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी स्टेट से हैं और जहाँ से भी आप पहले नंबर पर चाहते हैं कि मुझे पोस्टिंग वहाँ पर मिले तो वही फ्र, प्रोफ्रेंस आपको सबसे पहले डालना है तो मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं मान लीजिए मुझे भोपाल चाहिए सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ पर भोपाल में हवलदार की पोस्ट और यहाँ पर दोस्तों आपको मान लीजिए भोपाल के अंतर्गत एम की चाहिए आपको मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश एम तो ये अगर आप दसवीं पास है तो ऑल इंडिया से मेल फीमेल ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे एम की पोस्ट सबसे पहले चाहिए मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर पैंतालीस नंबर ये डालना पड़ेगा मुझे उसके बाद में मुझे हवलदार की चाहिए यहाँ पर तो तिरतालीस नंबर सेकेंड नंबर पर ये आ जाएगा इस तरीके से उसके बाद में दोस्तों मान लीजिए मुझे यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मुझे दिल्ली एम के लिए चाहिए इसके बाद में थर्ड नंबर पर तो यहाँ पर मैं बीस नंबर पर है ये तो यहाँ पर ये बीस नंबर सेलेक्ट करूँगा उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए पंजाब चाहिए मुझे एम टी एस सत्रह नंबर पर तो यहाँ पर मैं सत्रह नंबर फिल करूँगा तो इस तरीके से आपको ये चाहो तो पहले एक कागज़ पेन से लिख लेना है क्योंकि आपको जो पहले चाहिए वही पोस्ट पहले डालना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो आप इनमें से टेंथ पास है या फिर यहाँ पर एम एस सी एम टेक बी ए कॉम बी एस सी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें से वो सेलेक्ट कर लेना है मान लीजिए आप टेंथ है तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन टेंथ क्लास पास यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अपने टेंथ क्लास सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टेटस में पास और यहाँ पर पासिंग ईयर और ये आ जाएगा यहाँ पर कितने परसेंटेज थे वो परसेंटेज लिखेंगे अपना यहाँ पर दोस्तों यू आर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी तो इस डिपार्टमेंट को आप अपनी पर्सनल डिटेल देना चाहते हैं तो यस करेंगे नहीं तो आप पर टिक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आपका जो फोटोग्राफ है टेकन ऑन और आफ्टर इक्कीस अप्रैल दो तो यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ इक्कीस अप्रैल के बाद का होना चाहिए लेटेस्ट फोटो ही यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज बीस से पचास के भी के अंदर में रहेगा यहाँ पर इसका ब्रथ हाइट में ये साइज़ दिया है इस साइज़ में ही आपको अपलोड करना है चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर 10 से 20 के भी के अंदर में इसका साइज़ रहेगा दोनों अपलोड करेंगे और यहाँ पर, यहाँ पर यस करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आई एग्री करेंगे और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लेना है कि सारी डिटेल सही है अगर आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही अगर आप एस सी और फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी फाइनल सबमिट हो जाएगा अगर आप जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो आपको अपनी फॉर्म की पेमेंट जमा करना पड़ेगा सौ रुपये की तो यहां से आप जैसे अपने फॉर्म की पेमेंट करते हैं तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपको अपने फॉर्म की पेमेंट करना है तो यहाँ पर पेमेंट बटन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फॉर्म की पेमेंट कर पाएंगे और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देख पाएंगे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे और अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या किसी कारण बस फॉर्म नहीं भराता है तो आप यहां पर डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा तो फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा पेमेंट होने के बाद में तो यहां पर दोस्तों प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा यहां से आप प्रिंट आउट भी अपने फॉर्म का निकाल के आपको रख लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके थैंक यू दोस्तों धन्यवाद